हेलो एवरीवन, कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर का ना बाहर का बच सकता है साला। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। दो पार्टी स्मार्ट के टैबलेट खा चुका हूँ। नोटिस किया है मैंने, बाय द वे आज रॉयल चैलेंज का रिव्यू हो रहा है, ये बॉटल बाहर से तो काफ़ी सही लग रही है, मतलब शक्ल देखिए इसकी यार, शक्ल देखिए आरसी की, ये देखिए शक्ल देखिए इसकी, ये देखो, वेरी गुड लुकिंग बॉटल मैन, इट सेज रिचर एंड स्मूदर। एक वक्त था जब मैं सोचता था यार ये जो सारी विस्कीज होती है ना, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर, ये सब विस्कीज एक अलग ही कैटेगरी के लिए होती है, बट अजीब जिंदगी है, हमें कभी नहीं पता चलता हम क्या बन जाते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है और आज रॉयल चैलेंज का इम्तिहान है। आई वुड गिव इट अ वेरी हाई रेटिंग इन टर्म्स ऑफ बॉटलिंग एंड द बॉक्स। मेरे ख्याल से इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको लाजवाब दिखाने में। ये बॉटल हुई है 22 फरवरी को, आज दिन है मार्च 10, तो सिर्फ 16 दिन पुरानी बॉटल हुई, मतलब बिकती है भाई, मजाक नहीं है। बॉटल स्टॉपर लगा हुआ है ऊपर, सील्ड बॉटल है। अबे यार, हाँ चलो खुल गई। और यहाँ ड्रिंक मेजरर है, से हेलो टू इट। इसका नाम मुझे याद नहीं क्या है, एक तरीके से मिठास और फ्रूटी एसेंस है। पता नहीं यार, बड़ी मतलब उन्होंने दिलचस्प तरीके से बनाई है इसको। सो फार मैं कहूंगा कि इसकी जो फ्यूमिगेटेड स्मेल है उसमें स्पिरिट थोड़ी एसेंस 10% या 20% है। आपकी मैकडाउल्स में स्पिरिटेड एसेंस कम था, नो फ्लाई जोन ज्यादा था। चलिए इसको डालते हैं इस बिल्कुल भीखू मात्रे। स्मेल मुझे जरूर रॉयल स्टैग की याद दिला रहा है, मुझे नहीं पता कंपनी सिमिलर है, ये भी यूनाइटेड स्पिरिट्स की है, विजय माल्या, विट्टल माल्या रोड बेंगलुरु में मार्केट हुई है। बनी कहां पर है ये, अवार्ड विनिंग है ये, वाह, चैलेंजर स्पिरिट भी है इसमें, बोल्ड हेरिटेज, क्लेम्स तो बड़े अच्छे किए भाई लोग इन्होंने, 490 रुपीज। और अब मैं डालूंगा इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े, 1 and 2 and 3। और इसमें अब मैं डालूंगा वाटर, देख लीजिए 45 ml, नहीं 60 ml ऑलमोस्ट ड्रिंक का है, और थोड़ा बहुत मैं पानी ज्यादा डालना चाहूंगा, ज्यादा आजमाएंगे नहीं इसको, तो 60 ml वो है, और आई थिंक 90 या 100 ml पानी डाला है। और अब करेंगे इंतजार 5 मिनट। ड्रिंक हमारा बन रहा है, यहाँ पे mouthshut.com ने इसको दिए है रॉयल चैलेंज को 2.3 stars out of 5। अगर आप मुझे जानते हो तो आप समझ गए होंगे कि मैं बड़ा खुश हूँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ, काश उन्होंने और भी कम रेटिंग दी होती, क्योंकि लोगों का पर्दाफाश करने में और असलियत निकालने में मज़ा आता है। यहाँ पे किसी ने लिखा है फेक ऑफर, तो ये अबे ऑफर ऑफर से क्या मतलब है हमको ये बताओ। रम बेस्ड विस्की, आई टेस्टेड रॉयल चैलेंज विस्की व्हेन माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द ब्रांड, आई नेवर ट्राई रॉयल चैलेंज विस्की, व्हेन आई ट्राइड द विस्की इट वाज फाइन विद सोडा, डाइल्यूटेड वेल एंड टेस्ट वाज नॉट डोमिनेंट ऑन द पैलेट, आफ्टर ड्रिंकिंग विस्की आई हैड बैड हैंगओवर एंड सोर थ्रोट वाज नॉट कॉमन एज विस्की डजंट अफेक्ट्स थ्रोट लाइक वोडका, सो आई डिड सम रिसर्च, द विस्की इज बेस्ड ऑन डार्क रम, आई डिडंट नो दैट, मोलासेस विस्की मतलब हेडेक होगा, मजा आएगा, डार्क रम विच इज बेस्ड डरदा। चलिए ये किसी लगे, इफ यू आर टाइट ऑन बजट, वेरी टाइट, इम्प्योरिटी इन साइड बॉटल, आई हैड अ सील्ड बॉटल ऑफ रॉयल चैलेंज विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज इन साइड, आई सेंट ईमेल, नो रिस्पॉन्स, स्प्यूरियस अडल्टरेटेड रॉयल चैलेंज विस्की, सिंस अ ईयर और सो हैव बीन वेकिंग विद हेडेक्स एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स इवन विद मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ माई फेवरेट रॉयल विस्की इन ईयर इन शिलोंग, कुड इट बी अडल्टरेशन, स्विचिंग ब्रांड्स। किसी ने अच्छी बात भी कुछ कही है, रॉयल चैलेंज प्रीमियम विस्की इज ब्लेंडेड विस्की फ्रॉम शॉ वॉलिस हु इज द इंडियन फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द गल्फ बेस्ड
हाउस ऑफ छाबरियाज, आर सी प्रीमियम इज ऑल्सो नोन एज आर सी। खैर anyway, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यूज है इसमें, दो तीन शौकीन लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रशंसा करी है इसकी, तो मज़ा आएगा। क्योंकि मैं कभी पब्लिक ओपिनियन में से नहीं जाता, लोग अगर कुछ कहेंगे कि कोई बंदा बहुत ही ख़राब है, जैसे अपना हीरो विजय माल्या, तो अपन कहेगा सही है। लोग किसी को कुछ कहेंगे, हम कहेगा नहीं हमें उसके, महेश भट्ट जी मैं हूँ आपका, राम गोपाल वर्मा मैं हूँ आपका, गेट मी गिव मी ए जॉब राम गोपाल वर्मा सो आई कैन ऑल्सो डायरेक्ट अंडरनीथ योर अम्ब्रेला। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी का, अरे इसे कहते हैं सेव्ड बाय द बेल। मैं पता क्या करने वाला था, मैं नीट शॉट लेने वाला था, तो अच्छी बात है कि हमने वो नहीं किया। मैं थंबनेल भी शूट कर रहा था, सोचा एक नीट शॉट तो लो यार बरखुरदार, आगे बढ़िए, पर ये नीट शॉट वाली नहीं है। चीयर्स गाइस, चीयर्स टू मुलाकाताज एंड राताज एंड चांदनी रातें। सॉरी गाइस, बैक। चीयर्स टू नवजोत सिंह सिद्धू, पाजी तुसी तोप हो दुनिया की, आई लव यू। आप कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाइए, अकाली दल में जाइए, इस्लामी पार्ट किसी इस्लाम की पार्टी में जाइए, पाकिस्तान जाइए, इमरान खान के दोस्त बन जाइए, मैं आपका हमेशा फ़ैन रहूँगा बिकॉज मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूँ। ये कोई लेक्चर नहीं था, मैं कोई बंदा नहीं हूँ लेक्चर देने के लिए, मैं बहुत ही डिसलॉयल कहना बंदा हूँ जो समझता है ये सब सामाजिक जो चीज़ें हैं इससे आगे बढ़िए, डॉगी बनिए थोड़ा ज़िंदगी में। जी हाँ, छप्पन टिकली बनिए। चीयर्स। मुझे बहुत याद दिला रहा है ये रॉयल स्टैग की, इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी माइल्ड है लेकिन शरारती है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने इसके ड्रिंक को आधा कंज्यूम किया है, आधे से थोड़ा कम चढ़ रही है ये। अब देखिए, आज थर्सडे का दिन है, मैं हर एक दिन छोड़ के पीता हूँ, हर रोज़ नहीं पीता, मैं हर एक दिन छोड़ के पीता हूँ और कभी कभी दो तीन दिन भी हो जाते हैं। वेरी गुड सोफा, मुझे अच्छी लगी, दिलचस्प लगी, चीप ज़रूर है, चीप से मतलब मेरा कहने का, तो सुरूर जो है इसका थोड़ा सस्ता ज़रूर है, नशा थोड़ा सस्ता ज़रूर है, और टेस्ट की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स का जो आफ्टर टेस्ट है उससे थोड़ा बेटर इसका आफ्टर टेस्ट है, लेकिन जो फर्स्ट हिट वाला क्लासिकल हाई है मैकडॉनल्ड्स का, मैं कहूँगा कि वो थोड़ा बेटर लगा मुझे इससे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह दी मैंने एक साथ, खाली इसको इस पर जज करते हैं ना कि कंपैरिजन में। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सर्कल कंप्लीट नहीं है इसका, उससे मतलब यह है कि जो पैलेट पे टेस्ट है वो थोड़ा अधमरा सा है, कोशिश कर रहा है कि लड़खड़ाते हुए आगे निकल जाए, लेकिन अच्छी कोशिश है। बर्फ के साथ बड़ी प्यारी मिक्स हुई है। मेरा एक रिग्रेट रहे कि मैंने तीन बर्फ के टुकड़े डाले, मुझे दो डालने थे। आज से मैंने कुछ दिनों के लिए मैंने वो जो अपने बर्फ के गोले हैं उनको बाहर कर दिया है और नॉर्मल बर्फ में वापस आ रहा हूं, बिकॉज मैंने रियलाइज किया नॉर्मल बर्फ में बारूद है, चीज है, विरासत है। इट्स अ माइल्ड टेस्ट, इट्स नॉट स्पिरिटेड, it is a bit laid back like your royal green. royal challenge is a bit like royal green. royal green zyada feminine honi ki koshish karti hai, jabki royal challenge is more of a sigma male. haali mein maine kisi se suna tha sigma male is an alpha male who is dormant and who has all the postulates of a beta male, but when push comes to shove it comes out. so although this can appear a bit feminine at the surface, I think it's a pretty strong drink because jo molasses hai usne mere ko immediately mere sir mein dard kar diya hai thoda bahut. to agar main isko compare karu to imperial blue, mujhe imperial blue zyada pasand hai isse.
पर कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ मैं, इसी के इसको दम पे जज करता हूँ मैं। सो फार मुझे रॉयल चैलेंज भी बेटर लगी, सॉरी मुझे मैकडॉवल्स नंबर वन भी रॉयल चैलेंज से बेटर लगी। इसका मतलब ये नहीं कि बुरी है, मैं जो है बता रहा हूँ आपको। आज हम पियेंगे 3 ड्रिंक और उसमें देखेंगे हम कितने बड़े विश्वात्मा बनते हैं। ये कहना सही होगा कि जब आप हर तीसरे दिन या दूसरे दिन पीते हैं तो कहीं ना कहीं आप हाई को ज़्यादा चेज करते हैं और आप टेस्ट थोड़ा भूल जाते हैं, जैसे कि आटी भाई कहते हैं। आज मुझे समझ आए उनके वाइज वर्ड्स, नशा तो नशा ही है। ये लास्ट ड्रिंक का एक स्मॉल ड्रिंक बनाते हैं, बर्फ यही रखेंगे टुकड़ों में। तेरे जिस्म की आंच को छूते ही मेरी सांस सुलगने लगती है, मैं हर समझ गया ना माफी चाहूंगा इस आवाज। अरे बर्फ क्यों डाल रहा हूं मैं हीरो, बर्फ अभी वही रहेगी। और इस बार हम ड्रिंक को बैठने देंगे, थोड़ा पानी ज़्यादा डालते हैं और देखते हैं कि क्या जो मोलासेस वाला किक है, हेडेक है, वो चाहता है कि नहीं चाहता। दिलचस्प ड्रिंक ज़रूर है रॉयल चैलेंज। नमस्कार, अगर आप सो रहे थे या सुमड़ी कन्हैया बन रहे थे और अब जागे हैं तो वेलकम। मेरा नाम कंवर आनंद है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी उम्र 37 साल है सिर्फ। इरादे काफ़ी बुलंद है, जज्बाती इंसान हूँ, एक्सक्यूजेस नहीं मारता। सेकेंड ड्रिंक रॉयल चैलेंज। कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि ये मुकाम आएगा जब रॉयल चैलेंज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ये रियलाइज कर रहा हूँगा ऊपर ऊपर से सारी चीजें दिखावा है, असलियत सिर्फ नशा है। चीयर्स शराबियों। अब ये ड्रिंक में मैंने बर्फ नहीं डाली तो कम बर्फ के साथ मुझे फील आ रही है। इसमें मैं इस फर्स्ट ड्रिंक का ही आइस रेसिड्यू आई हैव यूज्ड एंड आई एम एंजॉयिंग इट टू बी फेयर। मैकडॉवल से जरूर ज्यादा स्पिरिटेड इसका एसेंस है। स्पिरिटेड विस्की ज्यादातर लोग यंगर ऑडियंस के लिए बनाते हैं मेरे ख्याल से, मुझे किसी ने बोला नहीं ये अनुपम खेर, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये रॉयल चैलेंज जो है ये ज़्यादा यंगस्टर्स के लिए बनाई गई है और जज्बाती लोगों के लिए बनाई गई है, जबकि मैकडॉवल्स थोड़ी क्लासिकल है इन वर्च्यू एंड टेस्ट। अगर आपको मैकडॉवल्स ज़्यादा पसंद है रॉयल चैलेंज से, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, फ़र्क बहुत है सॉरी। मैकडॉवल्स का थोड़ा ज़्यादा राउंडेड टेस्ट है, ज़्यादा कम्प्लीट है। रॉयल चैलेंज थोड़ी ऑन द सर्फेस है, फ्रंट फुट पर बैटिंग करती है रॉयल चैलेंज, जैसे एबी कुरुवला जी करते थे। याद है एबी कुरुवला, इंडिया हार गई थी वो मैच, इंडिया को 120 रन चाहिए थे 87 ऑल आउट, बट एबी कुरुवला का नाम तो आपने सुना होगा, जिनका इनिशियल्स ए और के होता है उनसे कभी पंगा मत लेना। क्या कलाकार हूं मैं, अकलाकार। चीयर्स। मैं पहले तोरा टिप्सिया। 500 रुपए की बोतल है भाई, 500 रुपए, 490, 500 रुपए में ये, मतलब 500 रुपए में इसका जो हाई है इट्स टोटली जस्टिफाइड। आई लव कि मैं इंडिया में रहता हूं, आई लव इट। 490 रुपए में मुझे ये मिल रही है, दहशत। आज देखते हैं यहां तक पीने में क्या होता है, इसमें खोपड़ी कितनी हिलती है। डिसाइड कर दिया, मैं 3 ड्रिंक कह रहा था, अब आप देखेंगे भांड रिव्यू। भांड नहीं कहना चाहिए, भांड कुछ और होता है, भंड रिव्यू देखेंगे आप, भंड होके दिखाऊंगा मैं। शुरू, बूम बूम बूम। हाय गाइस, टाइम फॉर माय, आई थिंक इट्स माय फोर्थ ड्रिंक है मेरा ये। चीयर्स। इसको 5 मिनट बैठने दिया है, 4 मिनट बैठने दिया, माफी चाहूंगा, याद नहीं है। इसका एसेंस काफी फीका है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि
आप इसकी पी रहे बहुत ही मेल्ड हो जाती है, बिल्कुल रॉयल स्टैग जैसे, लेकिन रॉयल स्टैग का फिर भी सिग्नेचर टेस्ट कुछ है इसका, उससे मेरा म्यूट टेस्ट है। और मैंने स्नैक्स भी नहीं खाए तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और एसेंस आ रहा है, तो अगर आप स्नैक्स खा रहे हैं तो आपको स्नैक्स का एसेंस आएगा, मजा आएगा वो स्नैक्स खाने में। बट फिलहाल मैं कहूँगा कि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी मेलो है ऑन द फोर्थ ड्रिंक। ओके सो आटी भाई चीयर्स। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। इनकी ड्रिंक बन चुकी है। चीयर्स गाइस। आप इसमें बताएंगे कैसे लगी आपको? ऑल राइट सो पी लीजिए पहले। एक सिप लेते हैं पहले इसकी। इसको थोड़ा ठंडा होना था, ठंडा होने के बाद ही इसका मजा आता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट। मैं तो चौथे ड्रिंक में हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इट्स ओके। आई डोंट से टू मच आटी भाई की वेट करते हैं। ही माइट गेट इन। ओके सो आज सी समथिंग व्हिच like you know I used to drink from quite a long time. इसका जो इससे पहले का एक स्टॉक था it was weird, so I stopped it. बहुत ज़्यादा weird था। अब ये इसकी एक नई पैकिंग आई है, I'm you guys just gonna show it to you. So this is a new packing. And even there's a stand-up comedian, I forgot his name. He is like you know he promotes this drink. I think his name is Gaurav. So उसने शायद बाद में इसको यूज़ किया होगा, बट जैसे मैंने इसकी नई पैकिंग देखी सो आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक यू नो गिविंग इट अ थॉट। सो मुझे बहुत मज़ा आया एंड नाउ रॉयल चैलेंज इज क्वाइट स्मूथ, क्वाइट लाइट और एक्चुअली भंड नहीं करती है, पहले करती थी अब नहीं करती है। ये मेरा टेक है क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी, हर एक इंसान की डाइट, हर एक इंसान का रूटीन सब कुछ डिफर करता है। और अल्कोहल पे like you know I'll say age and everything, so I think I'm pretty much good to go with this. Interesting. So this is my take Anand overall. But aapko kaun si whiskies aise assert karti hai jab aap thode zyada khush ho jate hain aur agle din itne khush nahi hote? Nahi aisa nahi hota ki main agle din khush nahi hota. कई बार क्या होता है कि थोड़ी ज्यादा पी लेते हैं। I can never hangover. हाँ, so कई बार क्या होता है कि थोड़ी पार्टी हो गई, सर्कल में बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उठ नहीं पाए और रात को लाइक यू नो सुबह जल्दी उठे हो और नींद जल्दी आती है, आप खाना नहीं खा पाते, तो अगले दिन दो तीन घंटे थोड़ा आपका भसड़ में निकलता है। बट उसके भी बहुत सारे रेमेडीज हैं जो मैं यूज करता हूँ। आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ छाछ इन द मॉर्निंग वंस आई एम लाइक यू नो फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग। मेरे को तो फील आ रही है बिकॉज़ आरटी भाई इज हियर एंड रॉयल चार्ज के इतने शौकीन रहे हैं, हम तो नोवेस ठहरे, मैं आप भी होंगे भाई साहब, लेकिन अपन तो स्टार्टर है भाई, पहली बार पी रहा रॉयल चैलेंज जिंदगी में। आई होप इट्स गुड। यह मुझे मजा आ रहा है बिकॉज जैसे आपने उस दिन कहा राइट, 10 साल पहले मतलब 2 साल पहले 1 साल पहले August 2020 15th August हाँ उस टाइम में गंजा था, आपने कहा मुझे कि भाई हर चीज में नशा है। अब मैं रियलाइज की मैं विस्कीज की रिव्यू करता हूँ लेकिन मुझे कहीं ना कहीं हर चीज का नशा ही होता है, एंड रिजल्ट तो वही है भाई। हम जितना सा बढ़ाव चढ़ाव कर ले कि यार इसका हाई सेक्सी इसका ये, एंड ऑफ द डे इज द सेम थिंग अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। यस कॉन्वर्जेशन हो रही होती है तो अलग होता, आफ्टर टेस्ट है वो मैकडॉनल्ड्स से बेटर है। मैकडॉनल्ड्स पहले 2-3 ड्रिंक में आपका आफ्टर अजीब कर देगा, 2-3 ड्रिंक के बाद यू विल स्टॉप कैरिंग, यू वोंट गिव अ फक, दिस बी फेयर। पर इसका थोड़ा स्पिरिट इन एसेंस है जैसे मैं आरटी भाई को भी कह रहा था, जबकि तेजाबी एसेंस है थोड़ा यूथफुल एसेंस है, जबकि मैकडॉनल्ड्स थोड़ा क्लासिकल एसेंस है, लेड बैक है थोड़ा। और अगर इस स्पेशली रॉयल चैलेंज है, ब्लेंडर्स प्राइड है, जो ड्रिंक्स हम अपना डोमेस्टिक में मानते हैं, अगर उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है पुट अ पिंच ऑफ सोडा। रियली? या अ पिंच ऑफ सोडा मंगाते हैं, सोडा भी एक ड्रिंक करेंगे सोडा के साथ, क्यों ना हो जाए। यस वी विल डू इट। इसके बाद थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा और उसका जो टेस्ट एनहांस होगा, यू गाइस विल लव इट। Wow, I have tried many times and Nitin has become fan of it. Oh really? Yes. Soda thing? Yes. Oh man. And soda on the top. Not initially. नमस्कार दोस्तों, हमने सोडा से टॉप अप किया है इसको, सोडा की बॉटल दिखा दीजिए भैया इनको। सो इसके पीछे जो बढ़िया ना ताकि इनको समझ आ जाए हमने सोडा का टॉप अप किया है। दिस इज डीएस ग्रुप कैच सोडा एंड आई फाइंड दिस इज द बेस्ट वन। इससे पहले एक सोडा आता था लहर, वो आजकल मिलता नहीं है। व्हाइट कैप वाला? यस लहर वॉज द बेस्ट वन और उसके बाद ये है।
तो गाइस हम थोड़े चिकन नगेट्स खाते हुए, कुछ सीख कबाब खाते हुए, कुछ पापड़ी चाट खाते हुए मस्ताने, हल्की हल्की दारू पीते हुए बिलेक डॉग के ग्लास में और कैलिफ मेट के ग्लास में चीयर्स, चीयर्स टू आर्टी भाई। दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, हाँ दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे से आने पर चीयर्स। नाउ टेल मी हाउ इट इज। ओह माय गॉड, इस सोडा ने तो यार हवा का रुख बदल दिया, एंड जस्ट ऐसी प्लेजेंटनेस आ गई पिंच ऑफ सोडा। वो ड्रिंक में प्लेजेंटनेस आ गई है जब मेरे दादा पीते थे ना। ट्रस्ट मी, कीप फीलिंग, कीप फील इट ऑन योर पैलेट। हैव अ सिप, टेक टू सेकंड्स। वाओ, प्रीटी गुड मैन, प्रीटी गुड। इट्स अ बिट डिफरेंट। एक मैं अगर इसकी नाराजगी जता सकता हूं तो वो कहूंगा मैं थोड़ी सॉल्टी हो गई है ड्रिंक, हल्की सी। सॉल्टी का भी मतलब एक तरीका है, सॉल्टी का पसंद आएगी आदमी जो बहुत गर्मी होती है, गंगोर गर्मी जब होती है ना तब सॉल्टी शायद पसंद आएगी, पंखे के नीचे अभी इसकी आवाज आ रही है ना, पंखे की ठा 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 करके। अभी अभी गर्मी शुरू होनी हो गई है, तो पिंच ऑफ सोडा इज लाइक यू नो वही, आई एडमायर दैट। शायद हमने बर्फ कम डाली, बर्फ मेरे हिसाब से ओके है, बट अगर हम ज्यादा डालते हैं तो और ठंडी हो जाए। आई एम पर्सनली फाइंडिंग कि इतनी ठंडी नहीं है ड्रिंक, आपकी ज्यादा ठंडी है, मेरी कम ठंडी। I'll put some more. Yeah. You would love it. Pants. This is my seventh drink. ये सातवीं ड्रिंक है मेरी of Royal Challenge. मैंने सोडा डाला है इसमें, बर्फ डाला है, पानी डाला है, चार पांच मिनट बैठने दिया है, दो तीन सिप ले चुका हूँ, लेकिन आपके सामने एक सिप लेता हूँ। जो सोडे के साथ मिक्स हुआ है ये, कैच सोडे के साथ, क्लब सोडा के साथ, मान गया, इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। इट इज गिविंग मी द वाइब ऑफ अ बियर विस्की, इट्स ब्यूटिफुल। एक ऐसा बारूद प्रतीत है इसमें जो मतलब मजा आ रहा है, बहुत लग रहा है कि यार अलाइव एंड अलर्ट ड्रिंक हो गया है सोडा ऐड करने के बाद। बर्फ और सोडा ऐड किए मैंने, पानी ऐड नहीं करे इस वाले में। सो ओवरऑल रॉयल चैलेंज हैज बीन अ मेजर मेजर